लिट्टी बहाना है। आने वाला जो चुनाव है 24 का और 25 का, उसका डट के सामना करेंगे। अगर कोई हेलीकॉप्टर और प्लेन खरीदाया है तो उसमें सरकारी काम में सुगमता हो। कंसेप्ट लोग बना लेते हैं कि नेता ही घूमते हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री घूमते हैं। कभी आपदा की स्थिति आती है, विपदा की स्थिति आए तो उसमें भी यूज होता है। प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स वन लेके घूम रहे हैं, दो दो एयरफोर्स वन है, इतना बड़ा जहाज लेके घूमते हैं जिसमें करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च हुआ है, और उनके इतने अमला फमला जितना उनके सिक्योरिटी में होता तो उस पर तो हम लोग नहीं बोलते हैं। अभी हम बिहार के पूर्व सीएम जितेंद्र मांझी जी के आवास पर मौजूद है, और आज यहाँ पर लिट्टी बीट मांझी प्रोग्राम रखा गया। हमारे साथ उनके पुत्र मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी हैं। सर, लिट्टी बीट मांझी क्या सर, इसका कंसेप्ट? कोई कंसेप्ट नहीं है, कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया एक आयोजन है जिसमें सब लोग मिल करके एक परिवार की तरह हम लोग बैठ करके लिट्टी के साथ अपनी बातें रखेंगे। जो 2022 में हमने क्या खोया, क्या पाया, हम कहाँ चूक गए, हम कहाँ अच्छे काम किए, ताकि 2023 का जो शुरुआत है नए साल का, उसका आगाज जो होने जा रहा है, उसमें हमने जो गलतियां की है 22 में, उसमें कैसे सुधार करें, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाएं, इन सब बातों की चर्चा परिचर्चा होगी। एक लिट्टी बहाना है, एक पारिवारिक मिलन है, पार्टी के सभी कार्यकर्ता परिवार की तरह हैं, तो हम लोग सब मिल करके बातें करेंगे और आने वाला साल अच्छा हो, हमारी पार्टी के लिए अच्छा हो, इस राज्य के लिए अच्छा हो, ऐसी हम लोग कामना करेंगे। और सब हम मिल करके इस राज्य की तरक्की में जितना एज ए पार्टी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में जितना कर सकते हैं हम लोग करने की कोशिश। दल के भी लोग पहुंचने वाले हैं सर? हाँ, हम लोग ने महागठबंधन के भी लोगों को आग्रह किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी का प्रोग्राम आया है, 7 बजे आ रहे हैं, और भी लोग आएंगे, सभी को 7 बजे के आसपास में लोग आएंगे, हम लोग सब उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता। 2022 में बहुत उथल पुथल रही बिहार की सरकार में, स्थिरता नहीं रही, लेकिन 23 में क्या कुछ संभावनाएं हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई अस्थिरता नहीं थी, सरकार स्थिर है, कल भी थी, आज भी है, कहीं पर कोई बात नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में सरकार बहुत अच्छी चल रही है, और हम समझते हैं कि हम और मजबूती से आने वाला जो चुनाव है 24 का और 25 का, उसका डट के सामना करेंगे, हमारी पुनः सरकार बनेगी। 24 में भी हमने जो प्रण लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटाएंगे, निश्चित तौर पर हम लोग सब मिल करके हटाएंगे, इसलिए एक महागठबंधन बना है 7 पार्टियों का, और हम लोग का ही एजेंडा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटाना है। आप लोगों ने सर फैसला किया कि हेलीकॉप्टर और एक हवाई जहाज खरीदने को लेकर के, अब इस पर राजनीति शुरू हो गई, बीजेपी लगातार कटाक्ष कर रही है, उल्टी सीधी बातें बोली जा रही है। देखिए, ये सब चर्चा का विषय नहीं होनी चाहिए। सरकार ने कुछ खरीदा है और सरकार में इस तरह की खरीदारी होती है, वो सरकारी कामों के लिए होता है। अगर कोई हेलीकॉप्टर और प्लेन खरीदाया है तो उसमें सरकारी काम में सुगमता हो। ये बिहार इतना बड़ा प्रदेश है जहाँ की आने जाने में समय लगता है गाड़ियों से, अगर कहीं पर कोई घटना होती है, ऐसे हेलीकॉप्टर ये नहीं है कि कंसेप्ट लोग बना लेते हैं कि नेता ही घूमते हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री घूमते हैं। कभी आपदा की स्थिति आती है, विपदा की स्थिति आए तो उसमें भी यूज होता है। कोई माननीय मंत्री को जाना है, कोई पदाधिकारी को जाना है, तो उसमें उसका यूजफुल है, हर राज्यों में अपना है। हम समझते हैं कि इस पर विवाद क्यों है भाई, आपके प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स वन लेके घूम रहे हैं, दो दो एयरफोर्स वन है, इतना बड़ा जहाज लेके घूमते हैं जिसमें करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च हुआ है, और उनके इतने अमला फमला जितना उनके सिक्योरिटी में होता, तो उस पर तो हम लोग नहीं बोलते हैं। सरकार को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर कुछ जरूरतें होती हैं, वो जरूरत आवश्यकता होता है, उस पर इस टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हम समझते हैं जो करते हैं तो भाई अपनी सोच है, मैं उनको कुछ नहीं कर सकता। साथ मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी थे, और अभी हम जीतनराम मांझी जी के आवास में मौजूद हैं। देख सकते हैं कि हर तरफ सजावट किया गया है, लिट्टी बीट मांझी का प्रोग्राम रखा गया है। 2022 कैसे रहा और उसमें पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या सुधार की जरूरत है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगा, और बिहार के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और सभी लोग, अन्य जो सातों दल के लोग नेता हैं, वो लोग पहुँचेंगे, यहाँ पर चर्चाएँ होंगी। अभी मंत्री जी से हमने बात किया, मंत्री जी कहना है कि जो जहाज और हेलीकॉप्टर को लेकर राजनीति हो रही है गलत है, हर सरकार खरीदती है, उससे आपदा के समय में उसका यूज किया जाता है, हिस्सा इसका नहीं है कि सिर्फ सरकारी यूज के लिए, मुख्यमंत्री के यूज के लिए है और डिप्टी सीएम के यूज के लिए है, ये बिहार वालों के लिए है, पूरे बिहार वासियों के लिए है कि कभी आपदा आएगी तो हेलीकॉप्टर जहाज हमारे पास रहेगा तो इसका यूज करके कम समय में रेस्क्यू कर सकते हैं। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पर वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।